यूं ही अखिलेश ने भतीजे तेज प्रताप यादव का नहीं काटा टिकट, इसके पीछे 50 दिन की सोची समझी चाल। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। अखिलेश यादव वर्ष 2000 में कन्नौज में चुनाव लड़ने आए और 2012 तक सांसद रहे। उपचुनाव में पत्नी डिंपल को सीट सौंपती। 2019 में जब उन्हें हार के रूप में झटका लगा तो उसकी समीक्षा की, उसमें कई पेच मिले जिन्हें दूर किया। पहले तेज प्रताप यादव को टिकट फिर काटने के बाद खुद के नाम की घोषणा भी बीते 50 दिन की सोची समझी चाल का हिस्सा है। इत्र नगरी के चुनावी समर में अखिलेश यादव के उतरने की योजना अचानक नहीं बनी, इसके पीछे 5 साल की रणनीति है। 2019 में डिंपल यादव के लोकसभा चुनाव हारने के बाद से ही वह चुनावी माहौल बनाने में जुट गए थे। भले अमली जामा अब पहनाया है, पहले तेज प्रताप यादव को टिकट फिर काटने के बाद खुद के नाम की घोषणा भी बीते 50 दिन की सोची समझी चाल का हिस्सा है। इसकी पुष्टि उन्होंने कहावत हथौड़ा तब मारा जाता है जब लोहा गर्म हो से कर भी दी। कानपुर देहात की विधानसभा सीट रसूलाबाद बिल्होर आसपास पकड़ रखने वाले पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया को साथ लाना भी इसी रणनीति का एक कदम है। औरैया के बिनुदा क्षेत्र में भी ऐसे ही कई नेताओं ने हम कदम बनाया, आने का न्योता दिया और पार्टी संगठन कार्यकर्ताओं के साथ ही अपने सीधे संपर्क वाले दूतों से नब्ज टटोलते रहे। 2019 में डिंपल की हार से लगा तगड़ा झटका। अखिलेश यादव वर्ष 2000 में कन्नौज में चुनाव लड़ने आए और 2012 तक सांसद रहे। उपचुनाव में पत्नी डिंपल को सीट सौंप दी। 2019 में जब उन्हें हार के रूप में झटका लगा तो इसकी समीक्षा की, उसमें कई पेच मिले जिन्हें दूर किया। इस बीच भले तालग्राम नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन दिनेश यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिल्पी कटियार के पति संजू कटियार, धर्मेंद्र यादव भाजपा में चले गए, पर उन्होंने किसी को मनाया नहीं। नवाब सिंह रूठे हैं पर कोई सुमेश नहीं की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।